सरप्राइज आज पता है मैं कितने बजे उठ के गया हूँ, सब बंदे सोए हुए थे, वही सरप्राइज को चेक करने के लिए गया हुआ था। वो भी बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है, वही मैं मशवरा करने आया था आपसे, तुम्हारी अम्मी से, साहब से मैंने कहा मशवरा कर लें, बताऊँ भी। मौसम चेक करें ज़रा अभी, अब आपको ऊपर कुछ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? ये ऊपर आसमान पर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, फिर फाट होंगे, जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अलहमदिल्ला हमें ठीक है, मशरे घर में भी सब ठीक ठाक है, आप लोगों की दुआएं करम है अल्लाह पाक का। तो जो हमारा चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और आज का भी लोग ज़बरदस्त होने वाला है, रहना हमारे साथ है, वीडियो फुल वाच करनी। तो इधर देखें, आठ पहियों वाली गाड़ी बना रहे हैं जो कि कभी सेट नहीं होती। पहले वो कवर उतार दिया था, अब फिर कवर चढ़ा रहे हो। मिस्त्री के पास ले भी गए थे, बनवा के आए, फिर दो चार दिन बाद फिर वैसे कर दी। इधर भाभी भी बैठी हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है अल्लाह का, ठीक है, जबरदस्त है। हाँ जी। अच्छा, कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है। ये क्या कर रही हैं आप? तड़का लगा रही हूँ अपने साग को, आपका और मेरा साग ये है, मैंने तड़का लगा लिया है, वो साग गर्म हो गया तो निकाल लोगे। अभी अबू का धनिया और लहसुन डाला है, वो तड़का लग जाएगा, फिर मिर्च नमक डाले लग रहे हैं साग को जी, वो हमारा गर्म हो रहा है, बंद तो चुका है जी, और ये अभी धनिया डाली है। हाँ जी, इसमें अभी साग डालेंगे जी। अभी बैठे हैं जी, सकिया कैसी हो? वैसे ठीक है, मजे है? खांगी नज़ला, खांगी नज़ला है अभी। आपको खांगी नज़ला क्यों नहीं छोड़ रहा? क्या पता क्यों नहीं छोड़ रहा, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बाकी रोटी छोटी बन गई है जी? रोटी बन गई है, चाय भी बन गई है, अभी चाय गर्म करती हूँ, फुस फुस काम से गए थे ना, तो अब उन्हें नहीं पी, अभी चाय गर्म करती हूँ साग बना के, तो फिर चाय दूंगी बाद में, अब नाश्ता करेंगे। वो लड़के जो है ना चारपाई उठा रहे हैं, और भाभी ने भी ये चारपाई उठाई हुई है, इधर रखेंगे। हाँ जी, चारपाई निकाल के आ गए हैं, फिर रोटी खाएंगे ना, इसी पे रोटी खानी है। हाँ जी, तो आप बैठे, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। वो अब मम्मी नीचे बैठे थे, वैसे धूप लगवा रहे थे, और अब ये ऊपर बैठ के खाना खा रहे हैं। हाँ जी, चार पाई लेके ना वो बैठ के अब नाश्ता करेंगे, मैंने चाय गरम करके अबू को दे दी है। ये जो हमारा नाश्ता, अभी हमने करना था नाश्ता, जैसे कि चार पाई निकाल के आई थी। हाँ जी, तो हम जो है ना भाभी देवर एक साथ खाते हैं जी, अच्छा लगता है ना अकेले बंदे को ऐसे। हाँ जी, दिल भी नहीं लगता, अकेले खाने में मज़ा भी नहीं आता, साथ मिल के खाए ना तो फिर अच्छा भी लगता है और मज़ा भी आता है कि हमने नाश्ता किया है। अगर अकेले मैं खाती, आप भी अकेले खाते ना, आप सही तरीके से खाते ना, मैं ठीक से खाती, जिस बहन भाई ने नाश्ता करना वाकई हमारे साथ कर लें। हाँ जी, जब वो होते थे तो उनके साथ खाते थे जी, अब वो दोनों तो चलो आ जाएंगे, आज का बोला था, बस दुआ करें खैर खुशी से वो पहुंच जाए इंशाल्लाह। और ये मेवे जात भी हैं मेरे, जो कि मैं डेली खाने से पहले खाता हूँ और भूल जाता हूँ, इसको सुबह जल्दी खाने होते हैं। हाँ, सुबह सुबह उठ के खाते हैं ना। चलो सही है, फिर अभी खा लेता हूँ पहले जी, फिर खाना खाता हूँ जी। लड़के बकरिया ने खा के जा रहे हैं, वो देखे हसीब, कमरान, आ लगता है मुनीब की छुट्टी है, कमरान और हसीब जा रहे हैं। हाँ जी, मुनीब ने बोला आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं नहाऊंगा, रेस्ट करता हूँ, कल मैं जाऊंगा। तो कमरान को अम्मी ने बोला आज आप चले जाए मुनीब के साथ, नहीं हसीब के साथ, क्योंकि अकेला है ना हसीब, तो फिर बकरियाँ गुम हो जाती हैं। सही है, दो बंदे काफ़ी जी, और वो कुत्ता जो है ना मोटरसाइकिल वाला को चिपक जाता है। हाँ। ओ क्या 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 क्या, और तेरी
पहले भी एक बाइक यहाँ से गुजरी है तो उनके पीछे, अब दूसरा है तो उनके पीछे। यह यहाँ से गुजरने नहीं देता जी, एक दिन किसी के टांगे चीर देगा। हाँ जी, चलो जी वो तो जा रहे हैं, नाश्ता कर ले जी। मौसम चेक करें जरा अभी, अब आपको ऊपर कुछ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? ये ऊपर आसमान पर इतने बादल जमा हो गए हैं, सूरज को भी डुबा दिया है। चांस है बारिश आ जाए, चांस नज़र आ रहे हैं कि बारिश आएगी। आपको क्या लगता है, आपको क्या चांस नज़र आते हैं? इतने सारे बादल जो है मैंने आपको दिखा दिया, अब आपका दिमाग क्या कहता है कि बारिश आएगी या ये सूरज जो है ये ऊपर चढ़ जाएगा? जैसे आपको समझ है कमेंट में बताएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बारिश नहीं आएगी, क्योंकि ये बादल तो बहुत सारे हैं लेकिन सूरज भी काफ़ी ज़ोरों शोर से निकल रहा है। ये जो है ना भगा देगा इन बादलों को। हाँ, अल्लाह पाक की मर्जी है, बाकी बारिश भी आ सकती है अगर अल्लाह पाक चाहे तो, इनको भी आपस में मिला कर बारिश आ जाएगी। ये देखे अभी इसके अंदर जो है ना सुराख है, माशाल्लाह ब्यूटीफुल मौसम बन गया, बिल्कुल ब्यूटीफुल सही है। और वो भाभी लगा रहे हैं झाड़ू, मैं यहाँ दूर से बैठ कर दिखा रहा हूँ क्योंकि पीछे जो है ना वो नज़र आ रहे हैं बादल सोने सोने, तभी मैं नीचे बैठ गया। अंदर वाला मेरे ख्याल में लगा दिया है, अभी एक रूम में लगाया है वो अपने वाले में, अभी दूसरा रूम भी खड़ा है और अभी बाहर की तरफ आई है। ये बाहर जो है ना सारा सहन कंप्लीट होगा फिर शायद अंदर। और ये देखिए सेल मुर्गा, हाँ जी दाने ढूंढ रहे हो, और वो देखिए और चीज़ भी आ गई। हाँ जी खैर है, मेरी तरफ भागे चले आए, जाओ चलो चलो जाओ जाओ भागो 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 भागो, शाबाश करो। तो किया उठा रही है गंद, कचरा उठा रही हो, और झाड़ू लगा लिया आपकी भाभी ने, अभी भी दे रही है, आप हेल्प करवाते हो उसके साथ? सही, अच्छी बात है, डेली हेल्प करवाया करो और दोनों भाभियों की हेल्प करवाया करो, जब वो आ जाए ना उसके साथ भी हेल्प करवाया करो, उनके काम होते हैं बहुत, और वो आपके साथ भी हेल्प करवा लेंगे जब आपके काम बच्चे होते हैं ना, फिर वो करवा लेती है। ठीक है, अभी तो आपको करवाना पड़ेगा, अभी तो अकेली है भाभी। अपने भाभी को फोन करो, बोलो कब आएगी, घर में कितने मोबाइल है? अच्छा आ जाएगी आ जाएगी। ठीक है, बस मिलजुल के काम करते जाओ। हाँ अब उठाओगे इसे, उठा लोगे वो तेरी, आज देखते हैं किया की पावर। मैं आज छोड़ देता हूँ,
और नहीं उठाए जाते नहीं उठाए जाते। हाँ है फिर से पे थे ओ उठा लिया है और मैं उठा लूंगी। मोबाइल पकड़ो या उठा लाने से। अच्छा जाओ इतना ना पहना करो ना जब नहीं वजनी हो जाती है। हाँ जी क्या हो रहा है खेल रही हो चीजें बना बना के क्या उधर क्या है उधर गाना सपने जा रही है आपने नहीं उठवाया था। आप काम नहीं करवाते जकिया के साथ नहीं करवाते क्यों क्यों नहीं करवाते काम सारे काम करवा लिया करो ठीक है। अब ये क्या बनाया ये चीजें उठा उठा कर दिखाओ। अच्छा ये क्या है गाय और क्या बनाया ये चीजें बनाई है ये बकरी और वो बर्तन कहाँ है आपके सारे तोड़ डाले अब न्यू बना रही हो। चलो आज कितने दिनों के बाद नाच सुना दो प्यारी प्यारी जोर से अच्छा आज बारिश आएगी झोड़ बना हुआ है मी आएगा ओ तेरी आपको भी नजला है कहाँ होता है नजला यहाँ। चलो खेलो ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं अक्सर बहन भाई भी कहते हैं कि हमें गांव की जो है ना हरियाली पसंद है गांव की खूबसूरती जो है बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखें गांव के वाटर जैसे पानी गुजरता है हमारे ज़ुबान में तो कस्सी बोलते हैं और ये है कस्सी यहाँ से आता है पानी। और इधर जो है आपको पहाड़ों का भी विज़िट करवाऊँ अक्सर बोलते हैं ना कि हमें गांव की हरियाली खूबसूरती बहारें ये पसंद है। तो अभी आपको ये दिखा रहा हूँ नज़ारे कैसे देखे हिल रहे हैं मौसम भी खूबसूरत है और ये भी हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी सी कैसे देखें झूम रहे हैं आए हाय। मुझे तो सच में अपने गांव की भी हरियाली जो है ना खूबसूरत लगती है बाकी आपको पता नहीं कैसी लगती है। मैं तो कहता हूँ ये सारा भी लोग जो है ना इन्हीं बहारों में ही बनाया हम बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये लाइन देखें कैसे नज़र आती है ये। हाँ जी ये एक लाइन है सीधे सेंटर से जा रही है पता नहीं कहाँ तक जाती है। चलो और इसने दाने भी उठाने शुरू कर दिए ये देखें इसके दाने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती हरियाली हमारे गांव की। मुझे लगता है मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी हमारे गांव की है अराउंड के। आप देखें अभी ऊपर जो है ना कुछ भी मतलब कि नज़र नहीं आ रहा सारे बादल है जैसे कि आपको पहले बताया कि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है आज बारिश का इम्कान है। तो वो देखें सारे बादल सूरज को भी डुबा दिया बस कुछ भी नहीं है सूरज।
चलो अल्लाह खैर करे आज बारिश आ जाए तो हमारे गांव की खूबसूरती जो है ना और भी मज़ीद आराम के इख्तियार कर लेंगे इंशाल्लाह। मुनीब आ गया है घास लेके, पहले काटने गया था अभी वापस आ गया है। हाँ जी, इनको डाला नहीं है फिर डलेंदे पे हो टंके के ऊपर? वो देखे भूखे थे बेचारे, वो ऊपर चढ़ के खा रहे हैं। चलो ले आओ इनको, थोड़ा सा डालोगे है ना? चलो बाकी ज़ाया ना हो थोड़ा डाल दो। और इसने भी अपने गुडे को उठा कर ले आए। चलो जी, अब उनको बुलाओ और वो बांध दो घास, सबको इधर ले आओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। सुनाया आप तबीयत का? बस अभी तो सो रहे हैं। बस सोई पड़ी है चादरें लेके, रात को दो रजाइयाँ डाली, नीचे आग रखी, अंडे खिलाए, वो शहद भी खिलाया। बहुत ठंड लगी हुई थी रात को, इसको बड़ी देर तक हम जागते रहे देखते रहे। शुक्र है लेट ज़रा कुछ बुखार बाहर तेज निकलाया, फिर सर्दी उतर गई। अल्लाह पाक बेहतर करे। बाकी ये रजाई ये क्या होती है, शाल पहनी है? मैं समझा बोले पहनी हुई है। नहीं, मैंने दी है, मैंने कहा ये लपेटना, सर्दी है कांप रही थी। वो अभी पूछा है रजाई डाल दें, कहते हैं नहीं इतनी सर्दी नहीं लगी, बस ये शाल से काम चल रहा है। अल्लाह पाक शिफा दे, हम तो दुआ करते हैं। ऊपर से फिर बादल बन गए, हवा भी चल रही है ठंडी, अल्लाह पाक करम करे, धूप पूरी निकलती नहीं है, सर्दी दिन रात सर्दी रहती है। चलो असल मुद्दे की बात जो है वो सरप्राइज जो आपने देना था वो पूछना है। सरप्राइज आज पता है मैं कितने बजे उठ के गया हूँ, सब बंदे सोए हुए थे, वही सरप्राइज को चेक करने के लिए गया हुआ था। हमारी अम्मी से मशवरा करने के लिए आया हूँ, भी मशवरा करें। सरप्राइज वही है, बता दूँ? हाँ जी, वही सरप्राइज सुनने के लिए आया हूँ। तो गाय थी, गाय देखने गया था मैं, चक में खड़ी है, चेक करने गया था। कल उनसे बातचीत हुई थी, पूछा था, फिर वो दूध दोह के ना चेक करना होता है, वो थान वगैरह चेक करते हैं, सारा कुछ देखभाल करते हैं ना, तो सुबह सुबह इसीलिए गया था। उसका दूध निकालेंगे, चेक करेंगे कितना दूध है, तो चेक करके आया हूँ। माशाल्लाह अच्छी गाय है, दूध भी ठीक था, और नीचे जो है साथ उसमें बछड़ा है वो भी बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है। वही मैं मशवरा करने आया था आपसे, तुम्हारी अम्मी से, हिसाब से मैंने कहा मशवरा कर लें, बताऊं भी कैसी गाय है, कितना दूध है। तो तुम्हारी अम्मी ने कहा अभी ऐसी गाय है तो हम ले कर दें, जैसे जितने भी आती है। वो अभी जाके उनके साथ तय करते हैं, तय करके इंशाल्लाह ले आएंगे। अच्छा, मतलब कि सोई हुई है, बछड़ा है? हाँ, नीचे बछड़ा है, दूध देती है, बस 10-15 दिन की सोई है। 10-15 दिन तो सही है, मतलब कि अभी अभी सोई है? हाँ, अभी नई सोई है ना, दूध देती रहेगी, माशाल्लाह हमारा गुजारा चलता रहेगा। दूध की बहुत कमी है इसीलिए परेशान है। चलो हमारा गुजारा करती रहे, निकालती रहे, ठीक है, सर्दियाँ निकल जाएंगी। चलो बहुत खुशी हुई है सब पैसे सुनकर, माशाल्लाह। हाँ जी, पसंद भी आ गया। उम्मीद है इंशाल्लाह, जितने वो पैसे मांगते हैं ना, तो उम्मीद है कि सौदा बन जाएगा। थोड़ा बहुत फ़र्क बताते हैं, मैंने भी कुछ बताया है उन्हें, उन्होंने भी कुछ मांगे है इतने, मैंने कहा चलो आप भी सलाह कर लें, मैं भी सलाह कर लेता हूँ, फिर बांध तोड़ कर लेंगे। वो तो किस्मत की बात है, लेन देन तो रहता है। हाँ, कुछ काम भी पड़ गए तो इंशाल्लाह फिर उधार। अच्छे आदमी हैं, उनसे ये बात भी हुई है कि कोई पैसे कम पड़ जाएंगे तो महीना 15 दिन आप सब्र करेंगे। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, वो जानने वाले हैं, इधर ही उनके भाने हैं, वो चक में भी घर है, आना जाना है, दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो तो खुश हो रहे थे कि आप हमारे पास आए हैं, हमारे भाई हैं, अगर पैसे नहीं भी हो तो आप ले जाएंगे। मैंने कहा ऐसे नहीं मैं ले जाता, तो जितने कम पड़ जाएंगे वो आपको रखने पड़ेंगे,
चलो बाद में आस्ते आस्ते कर देंगे। चलो आ जाए माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई हमारे गाय भी आ जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी, क्योंकि जो जरूरी आता है ना दूध वाले, वो पता है क्या मुझे ज्यादा जल्दी इसीलिए है, पहले तो मैं फारिग नहीं था, अब मैं कल से ना सुबह से गाय के पीछे लगा, ढूंढी आकर ढूंढ जाती है चलने फिरने से लग जाती है। तो तुम्हारी अम्मी की हालत देख कर, ये दूध के बगैर बचपन से ही ऐसी है, जब भी दूध ख़त्म हो जाता है घर में तो ये सो पड़ती है, जब जो दूध आ जाएगा ना माशाल्लाह ये सुबह शाम दूध पीती है फिर टाइट हो जाती है। तो इसी की खातर ना मैं ज़्यादा परेशान हूँ, चलो 1000 2000 4000 उस पर भी रेट लग जाए ना तो मैं ले के ही आऊँगा इंशाल्लाह, दूध जो है ना शाम को अपना ही इस्तेमाल करेंगे, हमें खुशी होगी। ऐसे तो चाय भी कहवे पी पी के बच्चे भी सब बीमार, बड़े भी बीमार हैं। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, बाकी तय करें फिर वो ले आए दिखाएंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, अभी मैं जाऊंगा फिर बातचीत, तो सलाह मशवरा कर लिया है, उन्होंने भी सलाह मशवरा कर लिया होगा, तो जाके इंशाल्लाह तय करते हैं और लेके आते हैं इंशाल्लाह।